आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता बापू के प्रति के 7वें और अंतिम पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी कठिन शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कारा, कारा माने कैद या बंदी, कैद या बंदी। थी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा, लेकिन देखिए संस्कृत के अंतर्गत हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारी बोली, ये सारी चीज़ें मिलकर के संस्कृत का निर्माण करती हैं। विगत, विगत मतलब पिछली या बीती हुई, विगत माने पिछली या बीती हुई। भित्ति, भित्ति माने दीवार, लेकिन देखिए यहाँ पर जो दीवार है वो ईंट और पत्थर वाली दीवार नहीं है, बल्कि किसकी दीवार है देखिए। बहु, बहु मतलब बहुत या अनेक या अनेकों, जैसे जैसा आपके वाक्य में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो दीवार है वो धर्म रूपी दीवार है, ठीक है, धर्म। जातिगत, जातिगत को जाति ही कर लीजिए, तो जाति रूपी दीवार है, ठीक है। रूप नाम, रूप नाम मतलब रंग रूप, जिसको आप काला गोरा कह सकते हैं, तो काला गोरा रूपी दीवार है, ठीक है। बंदी, बंदी मतलब बंदी या कैद, सरल है, बंदी अपने आप में भी सरल है। जग जीवन मतलब लोगों का जो जीवन है, जो लोगों का सामान्य जीवन है, ठीक है। भू माने धरती, भू माने धरती। विभक्त मतलब बंटी हुई, बटी हुई। अब धरती किस में बटी हुई है कवि ने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आशय है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस आधार पर जो बटी हुई है, ठीक है। विज्ञान, देखिए विज्ञान अपने आप में सरल है, लेकिन जो यहाँ पर विज्ञान का मतलब है वो विज्ञान के प्रभाव में आना है या विज्ञान की प्रगति के प्रभाव में आना है, ठीक है। मूढ़ माने मूर्ख या विवेकहीन, मूढ़ माने मूर्ख या विवेकहीन। देखिए विवेकहीन का मतलब होता है जिसको सही और गलत का पता ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको हम विवेकहीन बोलते हैं, ठीक है। जन माने लोग, जन माने लोग। प्रकृति काम, देखिए प्रकृति काम का मतलब है प्रकृति का अपनी इच्छा के अनुसार संचालन या प्रकृति का अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करना, उपयोग करना, ठीक है। आए तुम, आए तुम का मतलब यहाँ पे बापू से है, कवि कह रहे हैं कि हे बापू तुम आए। मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष का मतलब उद्धारक पुरुष, यानी बंधन से मुक्त करने वाले पुरुष, आप इसको योगी भी कह सकते हैं, इसका एक अर्थ योगी भी है, ठीक है। कहने मतलब बताने या संदेश देने, संदेश देने या बताने, कहने सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिथ्या माने झूठ, मिथ्या माने झूठ। जड़ बंधन मतलब सांसारिक रिश्ते नाते, जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं उसके लिए ये शब्द आया है जड़ बंधन, ठीक है। सत्य राम मतलब राम ही सत्य और शाश्वत है, राम ही सत्य और शाश्वत है, ठीक है। ना नृतम, देखिए ना नृतम का जब आप संधि विक्षेद करेंगे तो हो जाएगा न धन अनिर्तम, तो न माने नहीं और अनिर्तम मतलब झूठ, तो झूठ नहीं, झूठ नहीं। जैत मतलब जीत या विजय, जीत या विजय, यानी कभी कह रहे हैं कि झूठ की जीत नहीं होती है, झूठ की विजय नहीं होती है, सत्यम सत्य की विजय होती है, सत्य सत्यम सत्य। माँ मतलब मत या नहीं, माँ मतलब मत या नहीं। भय मतलब भयभीत, जिसको आप डरना कहते हैं भयभीत, ठीक है। जय सरल है, जय हो, आप कहते हैं जय जय हो। ज्ञान ज्योत मतलब ज्ञान रूपी ज्योति, ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। तुमको, बापू को आया कि हे बापू तुमको प्रणाम, ठीक है। तो सारे शब्दों के सरल अर्थ हो गए।
अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन इसकी व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिख दीजिए सामान्य हिंदी के, लेकिन यदि आप सामान्य हिंदी के नहीं लिखते हैं तो बहुत घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित बापू के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी बापू द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को दो बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे, मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो बापू जी को उद्धारक पुरुष के रूप में व्यक्त करते हुए उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, क्या कहते हैं आ जाइए पद्यांश पर, हे बापू काराथी संस्कृत विगत, कहते हैं कि हे बापू जो हमारी पिछली संस्कृति थी, जो हमारी पिछली संस्कृति थी वो अंग्रेजों के कारागार में बंद थी, अंग्रेजों की कैद थी, और जो सारा कार्य था वो अंग्रेजों के अनुसार ही होता था, हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते थे। आगे क्या कहते हैं, भीति बहु धर्म जाति गति रूप नाम। आगे कवि कहते हैं कि हम लोगों के बीच में, हे बापू हम लोगों के बीच में अनेकों धर्म जाति रंग रूप की दीवार खड़ी हुई थी, अर्थात हम अनेक बुराइयों के द्वारा बटे हुए थे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, बंदी जग जीवन भू विभक्त। आगे कवि कहते हैं कि हे बापू जो लोगों का सामान्य जीवन था वो भी बंदी बना हुआ था, किसका, अंग्रेजों का बंदी बना हुआ था, और क्या कहते हैं, भू विभक्त, और जो हमारी पृथ्वी थी, जो हमारी धरती थी, वो क्षेत्रवाद भाषावाद अमीर गरीब काला गोरा अनेक बुराइयों के द्वारा बटी हुई थी। और आगे क्या हो रहा है, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और हे बापू विज्ञान के प्रभाव में आकर के, विज्ञान की प्रगति के प्रभाव में आकर जो मूर्ख लोग थे वो प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते थे, प्रकृति काम प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करना चाहते थे, ऐसी विषम परिस्थिति में आए तुम मुक्त पुरुष कहने। कहते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में, कैसी विषम परिस्थिति, ऊपर आपने पढ़ा कि हमारी संस्कृति अंग्रेजों के कैद में थी, हम जाति धर्म रंग रूप की दीवारों के द्वारा बटे हुए थे, सामान्य लोगों का जनजीवन बंदी बना हुआ था, हमारी पृथ्वी क्षेत्रवाद भाषावाद के आधार पर बटी हुई थी, और जो मूर्ख लोग थे विज्ञान के प्रभाव में आकर प्रकृति का उपभोग अपने अनुसार करना चाहते थे, ऐसी विषम परिस्थिति में हे बापू तुम मुक्त पुरुष बन करके आए और लोगों को संदेश दिया। क्या संदेश दिया, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। और हे बापू आपने लोगों को संदेश दिया, आपने लोगों को बताया कि ये सांसारिक रिश्ते नाते झूठ हैं, सब मिथ्या हैं, सब झूठ हैं, सत्य राम, केवल राम का नाम ही सत्य और शाश्वत है जो हमेशा रहेगा। आगे नान जयति, हे बापू आपने लोगों को बताया
कि असत्य की कभी भी जीत नहीं होती, ना नहीं होती, अनिर्दम झूठ की जीत कभी नहीं होती, सत्यम हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य विजयी होता है, माँ भय, इसलिए चिंता मत करो, इसलिए भयभीत मत हो, माँ भय इसलिए भयभीत मत हो, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य कभी भी नहीं जीतता। यह कह करके बापू आपने लोगों को समझाया कि इसलिए भयभीत मत हो। जय ज्ञान ज्योति, ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे बापू आपकी जय हो, तुमको प्रणाम और आपको प्रणाम है। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी बापू जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू हमारी, अब आ जाइए पद्यांश पर, हमारी पिछली संस्कृति अंग्रेजों की कैद थी और हम लोग, इतना अपने जोड़ लीजिए, और हम लोग अनेकों धर्म जाति रंग रूप रूपी दीवार के द्वारा बटे हुए थे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, लोगों का, इतना अपने जोड़िए, लोगों का सामान्य जीवन ही बंदी बना हुआ था और धरती क्षेत्रवाद भाषावाद आदि आधारों पर बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर मूर्ख लोग प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते थे, अर्थात प्रकृति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते थे। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, ऐसी विषम परिस्थिति में हे बापू, इतना आपको अपने जोड़ना है, ऐसी विषम परिस्थिति में हे बापू तुम उद्धारक पुरुष बनकर आए और लोगों को संदेश दिया कि यह सांसारिक रिश्ते नाते झूठे हैं, केवल राम का नाम ही सत्य और शाश्वत है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे बापू आपने लोगों को संदेश दिया कि, इतना फिर अपने जोड़िए, हे बापू आपने लोगों को संदेश दिया कि झूठ की जय कभी भी नहीं होती अपितु हमेशा सत्य की ही विजय होती है, इसलिए भयभीत मत हो। ऐसी ज्ञान की अलौकिक ज्योति जगाने वाले हे बापू आपकी जय हो, आपको प्रणाम है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इसका काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है, यदि छंद की बात की जाए तो स्वच्छंद छंद है, यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें दो मुख्य अलंकार है, रूपक और अनुप्रास। कहाँ पे हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जब यहाँ पर हमने आपको बताया था तो धर्म रूपी दीवार, जात रूपी दीवार, रंग रूप रूपी दीवार, रूपक अलंकार। यहाँ पे देखिए ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी ज्योति, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जग जीवन में ज और ज की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप और देखिएगा, अगर कहीं किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये दो मुख्य अलंकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि
भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, ठीक है। शैली इसकी गीतात्मक और मुक्तक है। गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आपके बोर्ड के पेपर में 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न इसमें से भी आ सकते हैं, इसके अलग भी हो आ सकते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य अच्छे से समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न आए आप अपने से समझ के और वाक्य बना करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं, चलिए हम लोग उसको हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। कवि ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख किस प्रकार किया है? तो उन्होंने किस प्रकार से उल्लेख किया, चलिए देखते हैं। वैसे आप अपने से भी लिख सकते हैं, तो देखिए उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कवि महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जिस समय हमारी संस्कृति अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कारागार में कैद थी, हम लोग जाति, धर्म, रूप, रंग आदि के आधार पर बटे हुए थे, तब आप ऐसी विषम परिस्थिति में उद्धारक पुरुष के रूप में आए और लोगों को संदेश दिया कि सभी सांसारिक बंधन झूठे हैं, केवल राम अर्थात ईश्वर ही सत्य है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नानृतम जयति सत्यम, ये आपकी कविता की लाइन है, का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर डाल के मैंने व्याख्या बताया, आप लिखेंगे पहले लाइन को लिखेंगे नानृतम जयति सत्यम का अर्थ है असत्य की नहीं अपितु हमेशा सत्य की ही विजय होती है। तो बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो ये आपको संदर्भ से मिल जाता है, आप लिखेंगे कविता का शीर्षक बापू के प्रति एवं कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार विज्ञान के प्रभाव में आकर भारतीय कैसा कार्य करने लगे? तो देखिए मैंने बताया था, आप उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रश्न से पहले थोड़ा उठाते हैं तो उठा लीजिए, कवि के अनुसार विज्ञान के प्रभाव में आकर भारतीय, इतना तो प्रश्न से ही है। अब आगे लिखेंगे प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करने लगे, ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और डैश डाल करके जैसे मैंने जो जोड़ने के लिए कहा था वैसे जोड़ेंगे, लेकिन आपको बदलना क्या है कि वहाँ पे मैंने कहा था ना कि प्रस्तुत पद्यांश में, तो अब आप लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में या प्रस्तुत पंक्ति में, पद्यांश नहीं लिखेंगे क्योंकि आप किसी लाइन की ही पर्टिकुलर व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इतना जोड़ने के बाद आप फिर इसकी व्याख्या जहां भी लाइन खींची रहेगी आप कर देंगे, क्योंकि मैंने पूरी व्याख्या आपको बताई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।